नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे साबुदाना खिचड़ी बनाना। जिसके लिए हमें चाहिए ओवरनाइट सोक किए हुए साबुदाना। साबुदाने को हम दो बार पानी से धो लेंगे और उसमें जितने हमारे साबुदाने हैं उसका आधा पानी डाल के ओवरनाइट सोक कर लेंगे। ओवरनाइट सोक करने के बाद में साबुदाना फूल के इस तरह हो जाएगा। और हमें चाहिए भून के ग्राइंड की हुई मूंगफली, आलू, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, जीरा पाउडर, आमचूर, गरम मसाला, चीनी, हींग और तेल और जीरा। दही में करीब एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे हम लोग। गर्म हो जाने के बाद में इसमें जीरा, हरी मिर्च को हम लोग थोड़ा भून लेंगे। कड़ी पत्ता, हींग और आलू डाल के मिक्स कर देंगे। इसे हम ढक्कन लगा के धीमी आंच पे आलू गलने तक पका देंगे। इसे बीच-बीच में हम चेक करते रहेंगे। आलू सॉफ्ट होते हैं तब तक हम साबुदाना में नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, पीसी हुई मूंगफली और चीनी डाल के मिक्स कर लेंगे। चेक कर लेंगे आलू सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आलू अब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें साबुदाना डाल देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। साबुदाना को ढक्कन लगा के धीमी आंच पे सॉफ्ट होने तक हम लोग पका लेंगे। इसे 5 मिनट के बाद में हम लोग फिर से मिक्स कर लेंगे। हम लोग चेक कर लेंगे साबुदाना सॉफ्ट हुआ है या नहीं। साबुदाना हमारा अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ है। इसे ढक्कन लगा के हम लोग फिर से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे आप नाश्ते में या डिनर में बना सकते हैं। हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे। साबुदाने हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे परोस देंगे।
आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।